औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते हुए कार से 22 पेटी देशी शराब की जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब कार में भरकर घाटा बिलों से देवास ले जाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पीथमपुर के महिंद्रा ब्रिज के नीचे पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। उसी दौरान घाटा बिलों से आ रही कार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से आरोपी बलवंत सिंह निवासी देवास को 22 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। लगातार शराब के मामले पीथमपुर सेक्टर 1 में बढ़ते जा रहे हैं। अवैध शराब का परिवहन लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मंगलवार को शराब की खबरों को पोस्ट किया था, जिसके बाद आज थाना प्रभारी ने ताबड़तोड़ केस बनाए। इससे पूर्व कई बार इस क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन हो चुका है। थाना प्रभारी पर ऊपर अधिकारियों से दबाव आता है तब कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। क्या है पूरा प्रोसेस? रात्रि में पीथमपुर में रात्रि गश्त के दौरान लगभग कल और आज सुबह के दरमियान 1:30 से 2:30 बजे के बीच में महिंद्रा ब्रिज के नीचे एक कार जो है बड़ी स्पीड से जाती दिखी, तो पुलिस ने उसका पीछा किया और पीछा करके उसको पकड़ा, तो उसमें 22 पेटी देसी शराब की प्लेन और मसाला मिली और उसको ये इसमें जब्ती की कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कितने आरोपी थे सर टोटल? इसमें एक आरोपी एक ही ड्राइवर मिला है। अब और भी पता चल रहे हैं कि इसके कुछ फॉलोअर्स हो सकते हैं, इसको कुछ सपोर्ट करने वाला हो सकता है कोई, तो उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जो है बलवंत है और ये कनेरिया का देवास का रहने वाला है, बरोठा थाने का। सर ये शराब कहाँ से कहाँ जाती थी? ये अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी बड़ा चतुर चालाक लग रहा है ऐसा, अभी ये प्रथम दृष्टया इसने ये बताया कि किसी रोड के किनारे कोई दे गया इसको, तो ये बात कोई स्वीकार योग्य लोग नहीं है। इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछताछ करके रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। करीब कितने रुपए की शराब है ये? लगभग 2 लाख रुपए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।